सब जनता मान सम्मान देती है हमको, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। हमारा आशीर्वाद नहीं, हमारा आशीर्वाद है बाबा का। मेरा नाम है भरत तिवारी, बुलाते हैं अष्टावक्र जी महाराज करके। 53-year-old Barrett, known locally as the Bendy Priest, lives in Madhya Pradesh in India. बचपन ही घर लो, 5 साल की उम्र में दीवार गिरी रही के बाद में। ऐसे क्यों दीवार गिरी? बहुत इलाज कराया, माँ बाप ने ठीक नहीं रही। Despite his disability, Barrett believes he is a reincarnation of a legendary priest known in Hindu culture. गाय रही हैं, राजा मुनि के जनक में गाय रहे, तो वो बैसाखी लगा के गाय रहे, लोगों ने हंसा देख के, तो वो सबको चमार बना दिए। कोई आज तक किसी ने इनका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि हमारे जो सनातन धर्म में, हमारी जो हिंदू संस्कृति में कभी अष्टावक्र महाराज जी हुए हैं, उनके स्वरूप में लोग इन्हें देखते हैं और आते जाते इन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ इनको लोग यहाँ पर, इनको नहीं कोई नहीं चढ़ाते, सब जनता मान सम्मान देती है हमको, हम सबको आशीर्वाद देते हैं और सब जनता पूरी हमारी मदद पूरी करती है। कोई दिक्कत नहीं आती हमको, मैं खुद का बाजार कर लेता हूँ, कोई ऑटो वाले निकलो, ऑटो वालों को रोक के ऑटो में बैठ के मैं बाजार कर लाता हूँ, कोई हमको आपत्ति नहीं आई। अपने हाथ का कपड़ा धोता हूँ मैं, बाजार जाके शक्कर और चाय पत्ती खरीद के लाता हूँ, मैं खुद चाय पीता हूँ, चार लोगों को पिलाता हूँ। Barrett thinks that his unusual physique was caused by God and not as a result of a medical condition. हमको न कोई बीमारी या न कोई दुख या न कोई प्रातवा। But a local doctor is looking into what might have caused such extreme changes to his bones. पास तो पिछले 5 साल से आ रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट संभव है, पर चूंकि इतनी उम्र हो चुकी है, लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुधार हो पाएगा। यह कि फर्दर डिटरेशन, यानी कि और स्थिति न बिगड़े, उसकी व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि मेडिकल साइंस में काफी नई नई व्यवस्थाएं हो गई हैं। Although the doctor is unsure of what has caused Barrett's deformities, it could be a condition called skeletal fluorosis, which is caused by an accumulation of excessive fluoride in the bones, often caused by too much fluoride in local drinking water. ये तो भारत जी में और आम लोगों में कोई अंतर ही समझ में नहीं आता है, कहीं से किसी कोने से ये एहसास नहीं होता कि ये शारीरिक रूप से इतने हद तक विकलांग है। ये अपना कार्य स्वयं करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की जो समस्त दिनचर्याएं हैं, और बल्कि ये किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि हमारे आश्रम में यहाँ रह रहे हैं तो इनसे हम सहयोग ले लेते हैं उल्टा, कि ये हमारा जैसे सब्जी काटने का कार्य कर दे, एक का काम कर ले, कभी पूजा पाठ का काम कर ले। शारीरिक रूप से कोई विकलांग है भी तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Despite his disabilities, Barrett lives a fulfilled and happy life within his community. हरदेव धामी को हम मानते हैं, सब जनता को हम आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद पूरा होता है।